सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अस्क्रियत पसंदी में आप क्या सोचकर शामिल हुए, वो दिन आपको याद है जब आपने शमूलियत इख्तियार की, क्या था जहन में, क्या मकासद थे? जी हाँ, देखिए यहाँ पर जो है अभी ये सिलसिला जारी है, गलत प्रोपगंडे करके लोगों के जहनों में यही बात लाई जाती है कि बलोच के उसके हुकूक नहीं दिए जा रहे, बलोच के साथ जो है जुल्म किया जा रहा है। अगर इसको बारीक फनी से देखा जाए, हकीकतन अगर इस चीज़ को देखा जाए तो बलोच अपने बलोच के साथ खुद जुल्म कर रहा है। जब से ये मुल्क वजूद में आया है तो यहाँ बलूचिस्तान की खसूसन जो हुक्मरानी रही है वो बलोचों के हाथों में रही है। बलोचों ने जो ही जो है इस सूबे पर जो है हमेशा हुक्मरानी की है और अब भी जो है कर रहे हैं, दीगर अकवाम के साथ मिलकर इस सूबे की तरक्की के लिए काफ़ी इकदाम भी किए हैं। लेकिन इस दौरान हाँ, कोताहियाँ हुई हैं, कमी हुई हैं, झगड़े हुए हैं, काफ़ी मसाइल हुए हैं। मसाइल तो देखें हर जगह मौजूद हैं, एक घर हो वहाँ पर भी मसाइल मौजूद है, कबाइल हैं, कबाइल में भी मसाइल जो मौजूद हैं, तमाम दुनिया में हर ममालिक के अंदर मसाइल मौजूद हैं, लेकिन उनका हल जो है बंदूक नहीं है। बंदूक का तजर्बा हम लोगों ने कर लिया और जो कुछ हमने बंदूक से हासिल किया वो भी जो है दुनिया के सामने है। लिहाजा मैं यही कहूँगा कि हमारी जब हमने जब ये सिलसिला शुरू किया, हमने भी यही समझा कि शायद वाकईतन कौम के साथ जो है जुल्म हो रहा है, कौम के जो हकूक गसब किए जा रहे हैं। जब तक मैं खुद बजाते पहाड़ों में जब तक मैं रहा, 7-8 साल तक मैं पहाड़ों में रहा, इस जंग का हिस्सा रहा, तो हमें कुछ इल्म नहीं था। हम यही समझते थे कि हम जो कुछ कर रहे हैं हम कौम के हकूक के लिए कर रहे हैं और इस सूबे के हकूक के लिए कर रहे हैं। लेकिन आस्ता आस्ता जब हम आगे बढ़ते गए, यहाँ से जो है मैं हमसाए ममालिक गया, अफगानिस्तान खसूसन गया, दिगर हमसाए ममालिक गया, वहाँ जाकर काफ़ी तंजीमों के साथ हमारी मुलाकातें हुई, काफ़ी तंजीमों के मामलात हमने देखे और जो कुछ हमने वहाँ देखा, जो लीडरशिप है वो तो अपने ऐश अशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो हमने अपनी आँखों से देखा बेहतरीन लश्करी ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं। मर कौन रहा है? गरीब का बच्चा। इस चक्की में जो पिस रहा है वो गरीब का बच्चा। आज भी हज़ारों की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए हैं, ऐसे लोग मारे गए हैं जो बलोच थे और मकबरी के नाम पर उनको जो है कत्ल किया गया, ख्वातीन का इस्तेमाल किया गया, इसमें काफ़ी ख्वातीन इन तंजीमों के हाथों से भी जो है मारे जा चुके हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को हमने देखा, महसूस किया, इर्द गिर्द जो है नज़र दौड़ाई, इस चीज़ का जो हमने काफ़ी तज़िया किया, वहाँ पर भी हमने आवाज़ उठाई, इन चीज़ों की हमने मुखालफत की, काफ़ी मामलात थे तंजीमों के अंदर।